हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक क्रैकेट। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं एडमिशंस के लिए। यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना है, आज मैं लेके आई हूँ एडमिशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हैविंग अ पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस। और मेरे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे टीचिंग असिस्टेंटशिप भी मिल रही है, तो जल्दी से मेरे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और साथ साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज हम बात करते हैं एडमिशन की। तो ये जो एडमिशंस हैं वो निकले हुए हैं एमटेक और एमएससी प्रोग्राम्स के लिए। और चलिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो ये सभी के सभी एप्लीकेशंस जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, और वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है ताकि आप कहीं इधर उधर जाके उसको सर्च आउट ना करें। आप सीधा वेबसाइट पे जो लिंक दी होगी उस पे आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं, जो इसकी लास्ट डेट है वो है 22 मार्च, एंड सॉरी ओपनिंग के लिए 22 मार्च से स्टार्टिंग है, और क्लोजिंग डेट जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की 30 अप्रैल रखी गई है। यस फ्रेंड्स, तो अभी वेबसाइट की लिंक जो है वो पोर्टल होने में टाइम है, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे रेगुलर नोटिफिकेशन बता देती हूँ, तो मेरे चैनल्स के साथ में जुड़े रहिएगा। फिर अगर हम बात करें एमएससी प्रोग्राम्स की, तो एमएससी प्रोग्राम्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो ओपन डेट है वो 15 अप्रैल रखी गई है, और इसके साथ साथ में इसकी जो क्लोजिंग डेट है उसको लगभग 1.5 महीने का रखा गया, जो कि 28 अप्रैल। अब ये जो नोटिफिकेशन एडमिशन्स है वो कहाँ से आउट हुए हैं, तो चलिए ये बात कर लेते हैं। ये आउट हुए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़, एंड ये जो इंस्टीट्यूट है ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट है, और जहाँ पे एमटेक और एमएससी एडमिशन्स जो है वो रीओपन कर दिए गए हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप भी दी जाएगी, जो कि आपको हाफ टाइम टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलेगी जो भी एमटेक स्टूडेंट्स इसमें इनरोल कराते हैं, राइट। तो इसमें आपको टीचिंग क्रेडिट्स पढ़ाने होंगे कुछ सब्जेक्ट्स, तो उसके थ्रू आपको असिस्टेंटशिप मिलेगी। अब बात कर लेते हैं किन किन डिसिप्लिन्स के लिए ये जो एमटेक प्रोग्राम्स हैं उनके नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। तो एमटेक प्रोग्राम में अगर हम बात करें सबसे पहले एमटेक इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की, तो ये बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के अंडर में आता हुआ है, और यहाँ पे आपको जीसीई जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में एडमिशन्स जो है वो नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एमटेक निकाला है इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की, जो आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर में। तो यहाँ पे आप अगर स्पेशलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल इंजीनियरिंग के अंडर एमटेक करना चाहते हैं तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें एमटेक इन डेटा साइंस की, तो डेटा साइंस बेसिकली आजकल बहुत बूम पे है, और डेटा साइंस जो है इसलिए कंप्यूटर साइंस एंड उसमें आपको इसके अंडर मल्टी डिसिप्लिनरी में आप कर सकते हैं, और जस्ट लाइक आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड बिग डेटा एंड डेटा साइंस विद मशीन लर्निंग एंड सो ऑन। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, आप इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें एमटेक इन सिस्टम ऑन चिप डिजाइन की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दोनों के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आप इसमें एमटेक कर सकते हो, ये फैसिलिटी यहाँ पे दी जा रही है। तो सिस्टम ऑन चिप डिजाइनिंग पे अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे इसमें मास्टर्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एमटेक जो भी करना चाहते हैं मैथमेटिक्स से या कंप्यूटिंग से, तो वहाँ पे यह कर सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आईआईटी पलक्कड़ में आपको दिए गए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एमटेक इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन के अंडर में आता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना बीटेक किया हुआ है और मास्टर्स जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सिस्टम्स में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडमिशंस ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड अप्रोचेस के लिए, तो एमएससी प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे एडमिशंस नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एमएससी केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे एडमिशंस ओपन किए गए हैं, साथ ही साथ में एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड एमएससी इन फिजिक्स ऑल्सो। सो गाइज, आपको मैं ले चलती हूँ नोटिफिकेशन पे। तो ये है वेबसाइट आईआईटी पलक्कड़ की, जहाँ पे देखिए इसका जैसे ही वेब पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन इस तरीके की विंडो खुल के आ जाने वाली है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एमएससी प्रोग्राम्स के लिए, एंड उसमें देख रखा है तीनों डिसिप्लिन्स जिन्होंने इसमें एडमिशंस आउट किए हुए हैं। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें एमटेक प्रोग्राम की,
तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरा सब कुछ नोटिफिकेशन दे रखा है। साइड में यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड भी दे रखा है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके सारी इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल फोन से भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेडलाइंस भी इन्होंने दे रखी है, तो यहाँ पे आप डेडलाइंस पे जाके इसकी एंड डेट दे सकते हैं। ऊपर देखिए ये आइकन दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, देन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप की बात करें अगर, तो देखिए यहाँ पे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप भी मिलेगी, लगभग लगभग 12,400 रुपए की ये दे रहे हैं। एंड उसके बाद जो है ये मैक्सिमम पीरियड जो रहेगा उसका 24 ऑफ मंथ्स रहेगा। देन स्कॉलरशिप एंड फ्रीशिप भी इन्होंने दिया हुआ है, तो स्कॉलरशिप देख लीजिएगा, इसमें इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप भी है। 25% ऑफ जो है वो सेंशन रहेगी इनटेक, जितने भी एडमिशंस लिए जाएंगे उनके लिए। एंड अलग अलग यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप जाके इनका जो है पूरा डिटेल ले सकते हो। ये वेबसाइट पे ऊपर आपको इस तरह से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की इंफॉर्मेशन मैंने बता दी है, तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है एमएससी प्रोग्राम्स और एमटेक प्रोग्राम्स के लिए। यस, अब कर लेते हैं बात फीस की। जितने भी एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिर्फ 250 रुपीज यहाँ पे फीस रखी गई है फॉर हैविंग एन एमटेक प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 500 की जो फीस है वो रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में आप जाके क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई में कैसे करना है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है, जितनी भी आपकी जो भी है कोप की वेबसाइट पे है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। आप खुद से आपको एक अपना अकाउंट बनाना होगा, अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कराना होगा, उसके बाद आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दिया जाएगा, उससे आपको लॉग इन करना होगा। देन अपनी पर्सनल डिटेल, गेट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ पे जो भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको आपको फिलअप करना होगा, और साथ ही साथ में आप उसको जो है यहाँ पे एंड कर सकते हैं। उसके बाद एमएससी के लिए देखिए एमएससी में आप यहाँ पे वेबसाइट पे डायरेक्टली जा सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो कि इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पे आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीजें अपना एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो, और कैसी लगी आपको वीडियो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग हियर। हैव अ नाइस डे, टिल देन बाय बाय।